हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विष्णु प्रताप सिंह और टैली के वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज से मेरा टैली का बिल्कुल बिगनिंग से बेसिक से क्लास स्टार्ट होने जा रहा है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन इसको देखते रहिए। और टैली में जैसे जैसे बिल्कुल बेसिक से जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा। और कॉमर्स के जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं टैली के लिए उसको मैं इसमें बताऊंगा। तो स्टेप वाइज एक एक वीडियो देखते हुए चलिए दोस्तों। दोस्तों, ये हमारा टैली का सिलेबस लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग टैली के ओवरव्यू के बारे में देखेंगे, उसके बाद बेसिक अकाउंटिंग, चूँकि टैली पूरा का पूरा कंप्लीट एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है इसलिए हम लोग बेसिक अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। जैसे जर्नल एंट्री करना, ये हम लोग देखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे होती है, लेजर कैसे पोस्ट करते हैं। इसके बाद कंपनी क्रिएशन देखेंगे हम लोग टैली पे, लेजर क्रिएशन, लेजर क्रिएट होगा, वाउचर एंट्री, उसमें अमाउंट फीडिंग का वर्क हम लोग देखेंगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट सेक्शन आ जाएगा हम लोगों का। बैलेंस शीट देखेंगे हम लोग, बैलेंस शीट पर कैसे कैसे एडजस्टमेंट होते हैं सारी चीज़ें। बैकअप रिस्टोर ऑफ कंपनी, जैसे कंपनी का सेफ्टी पर्पज से बैकअप लेना, रिस्टोर करना, ये सब सारी चीज़ें। अकाउंट्स ग्रुप, डेट वाइज एंट्री, इन्वेंट्री पे वर्क करेंगे, गोडाउंस मेंटेन करेंगे, गोडाउंस में हमारे कितने वर्क हैं, कितने आइटम्स हैं, कितने आइटम्स बाहर निकल गए। परचेज सेल्स रिटर्न होगा, डेबिट क्रेडिट नोट होगा, इन्वेंट्री ग्रुप होगा, एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, जैसे अगर सेल वगैरह लगानी है, कुछ ऑफर वगैरह देना है, वो चीज़ इसमें रहेगा। पैकेज एंड पैकेटिंग, ये होगा, कंपाउंड यूनिट होगा, गोडाउन क्रिएशन होगा, मटेरियल ट्रांसफ़र होगा, मटेरियल जैसे एक एक शहर से दूसरे शहर के गोडाउन में ट्रांसफ़र करना है, मटेरियल ट्रांसफ़र होगा, बिल ऑफ मटेरियल, बैंक रिकन्सिलेशन होगा, परचेज एंड सेल्स ऑर्डर होगा, ऑर्डर के जरिए परचेजिंग सेलिंग देखेंगे, डिस्काउंट कॉलम देखेंगे, डिस्काउंट कैसे अलाउ करते हैं, फिजिकल स्टॉक एंट्री देखेंगे, पेरोल देखेंगे, और देन लास्ट में हम लोग GST टैक्स देखेंगे जो लास्ट में अभी रिसेंटली एड ऑन हुआ है। तो दोस्तों, आज से मेरा पर डे मैं कोशिश करूँगा एक लेक्चर का वीडियो इसमें डालूँ, और पर डे लेक्चर वाइज आप लोग वीडियो को देखते रहिए। स्टेप वाइज आराम से देखते हुए चलिए, टैली का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊँगा। तो दोस्तों, आइए थोड़ा सा हम लोग टैली के ओवरव्यू के बारे में देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी नीड के बारे में, इसको नीड, टैली की नीड क्यों हुई, टैली की ज़रूरत क्यों पड़ी। आजकल आप देख रहे हैं जो भी वर्किंग हो रही है कंपनियों में, वो सारा का सारा वर्क टैली पे हो रहा है। दोस्तों, अगर हम आज से 70 से 100 80 100 साल पहले देखें तो कंप्यूटर का ज़माना नहीं था, इतनी आधुनिकता नहीं थी, कंप्यूटर्स नहीं थे, और कंपनियां तब भी थी, काम अकाउंट्स का तब भी होता था, लेकिन तब अकाउंट्स का काम करने के लिए अकाउंटेंट हायर नहीं होते थे, तब हमारे पास मुंशी या मुनीम हुआ करते थे, और सारा का सारा वर्क मैनुअली मेंटेन किया जाता था, कॉपी पेपर पे मेंटेन किया जाता था। दोस्तों, अगर हम एक किसी कंपनी का एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है ABC करके, ABC कोई एक कंपनी है, इसमें 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पूरा वर्क हुआ, और वर्क होने के बाद उसका जो पूरा डेटा है, ये डेटा लेके जाके मुनीब जी को दिया गया यहाँ पे, तो मुनीब जी क्या करेंगे, उस पर अपना अकाउंट्स का पूरा थ्योरी इस्तेमाल करेंगे, जो भी थ्योरी है अकाउंट्स के, जो भी रूल्स हैं, वो सब इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के बाद जो है वो बताएंगे कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। तो दोस्तों, कम से कम 5 से 10 दिन वो भी ले लेंगे ये करने में। अब मान लीजिए नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख को उन्होंने कहा कि सर, अपनी कंपनी लॉस में जा रही है, तो जब किसी भी बिजनेसमैन को पता चलेगा कि उसकी कंपनी लॉस में जा रही है, तभी तो वो उसको प्रॉफिट में लाने के लिए तरह तरह के एक्शन लेगा, जैसे पुरानी मशीनों को रिपेयर कराएगा, या कुछ नई एडवांस मशीनों को हायर करेगा, खरीदेगा,
कुछ पुराने कामचोर लोगों को हटा के नए अच्छे लोगों को हायर करेगा। तब जाके कोई भी पर्सन जब पता चलेगा कि उसकी कंपनी लॉस में जा रही है, देन वो सारे के सारे इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों मान लीजिए 15 से 20 दिन इम्प्लीमेंटेशन में लग जाता है, तो इम्प्लीमेंटेशन में करीब करीब 15 से 20 दिन लग गया। अब इसमें क्या हुआ, दूसरा महीना भी कंपनी पूरी की पूरी लॉस में चली गई। दोस्तों जब कंपनी दूसरे महीने भी लॉस में चली गई तो होता क्या, प्रॉब्लम क्या आती है, पहला कि वर्कर्स को 2 महीने से हमने सैलरी नहीं दी है, तो वर्कर्स हमारे धीरे धीरे कंपनी छोड़ने लगेंगे। जो सही वर्कर हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो लोग कंपनी छोड़ने लगेंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों क्या होता है, कंपनियों का ज़्यादातर वर्क जो होता है वो ऑन क्रेडिट होता है। जैसे कंपनियां जो रॉ मटेरियल लेती हैं वो क्रेडिट के बेस पे लेती हैं, 50% पेमेंट करती हैं और 50% बोलती हैं नेक्स्ट टाइम पे मटेरियल मार्केट प्रोडक्ट मार्केट में आने के बाद होगा। तो दोस्तों 2 महीने से कंपनी लॉस में जा रही है, तो ये इसका रॉ मटेरियल का भी बिल इन्होंने पे नहीं किया है, तो रॉ मटेरियल वाला भी रॉ मटेरियल इनको नहीं देगा। तो फाइनली होता क्या था कि कंपनी से वर्कर भी गायब हो जाते थे और रॉ मटेरियल भी गायब हो जाता था, और धीरे धीरे जब वर्कर और रॉ मटेरियल नहीं रहेगा तो वर्किंग क्या होगी, इसलिए कंपनी फाइनली हमारी क्लोज हो जाती थी यहाँ से। अब जब कंपनी दोस्तों क्लोज जाती थी, इसमें प्रॉब्लम किसकी है, इसमें अगर मान लीजिए यही जो रिजल्ट इनको मिला, रोज जो रिजल्ट इनको अगले महीने की 10 तारीख को मिला, यहाँ पे 10 तारीख को यही रिजल्ट उनको अगर 1 तारीख को मिल जाता, तो जो इम्प्लीमेंटेशन में 15 से 20 दिन लगे हैं ये तब भी लगते, और हो सकता था कि उस दूसरे महीने की 20 तारीख को कंपनी बिल्कुल रेडी हो जाती और कंपनी के पास 10 दिन का समय रहता, और उस 10 दिन में कंपनी के वर्कर्स जो थे, कंपनी जो थी वो काम करके कंपनी को 30 तारीख तक नो प्रॉफिट नो लॉस में ला सकती थी। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए ये जो ABC कंपनी के ओनर हैं, इनको मुनीम जी इन्होंने मुनीम जी के ऊपर दबाव डाला और इन्होंने कहा कि जो आप 10 तारीख 10 दिन बाद रिजल्ट दे रहे हो वो हमको 2 दिन में 2 दिन के अंदर रिजल्ट दो, तो मुनीम जी क्या कहेंगे, भाई मैं तो कोई मशीन हूँ नहीं, हर आदमी 5 से 10 दिन का समय तो लेगा ही लेगा, आप ऐसा करिए किसी और से करवा लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम थी क्विक रिजल्ट की, जल्दी से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे देखा गया आधुनिक युग आया, कंप्यूटर्स आ गए, सारा का सारा वर्क कंप्यूटर पे होने लगा। तो कंप्यूटर पे वर्क होने की वजह से लोगों ने देखा कि कंप्यूटर पे जो भी वर्क हो रहा है वो काफ़ी फास्ट हो रहा है, काफ़ी स्पीड में हो रहा है, तुरंत रिजल्ट मिल रहा है। तो जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर लोग थे, उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए, कोई एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया जाए जिसपे ये जो मुनीम है, मुनीम का जो वर्क हो रहा है ये सारा का सारा वर्क मेंटेन किया जा सके। और फिर दोस्तों फाइनली जाके एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया और उसका नाम दिया गया टैली। तो दोस्तों आइए अब हम टैली के थोड़ा से हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि टैली में क्या-क्या चीज़ें हैं। दोस्तों ये टैली के वर्जन्स हैं, सबसे पहला आपका आया टैली 4.5, ये इसके फीचर्स हैं, ये डॉस बेस्ड था, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग रन करता था और विदाउट इन्वेंट्री था। दोस्तों इन्वेंट्री का एक ऑप्शन होता है जिसमें हम लोग गोडाउंस मेंटेन करते हैं, सभी स्टॉक आइटम्स मेंटेन करते हैं, क्या क्या आपने स्टॉक में है वो ऑप्शन इसमें नहीं था। फिर इसका नया वर्जन आया टैली 5.4, टैली 5.4 आपका विंडोज बेस हो गया था, यानी विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करने लगा था, और विद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का ऑप्शन इसमें ऐड ऑन हो गया था। देन आपका 6.3 आया, ये आपका नेटवर्क बेस्ड था दोस्तों, ये नेटवर्क पे रन कर सकता था, नेटवर्क पे रन करता था, एक सर्वर पे सारा डेटाबेस स्टोर होता था। फिर आपका आया 7.2 जिसमें वैट वैल्यू एडेड टैक्स कैलकुलेट करने के ऑप्शंस डाल दिए गए थे। फिर आपका आया टैली 8.1 जो मल्टी लैंग्वेज था,
जिसमें हिंदी में भी चेंज करके लैंग्वेज हम लोग वर्किंग कर सकते थे, लेकिन दोस्तों अकाउंट्स की हिंदी काफ़ी टफ होती है, इसलिए ये 8.1 वाला जो वर्जन था इसका, ये मार्केट में ज़्यादा चल नहीं पाया। फिर दोस्तों आया टैली का 9.0, इसमें सारे के सारे टैक्सेस जैसे वैट है, CST है, TCS है, FBT है, ये सारे के सारे टैक्सेस, एक्साइज टैक्स है, सारे टैक्सेस इसमें ऑप्शन दिए गए थे, सारे टैक्सेस पे हम लोग काम कर सकते थे। फिर इसके बाद से आपका 9.0 का ERP वर्जन आया। ERP दोस्तों इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP का फुल फॉर्म होता है। ये ऑनलाइन टैक्स पेमेंट करने के ऑप्शंस के साथ आ गया था दोस्तों, टैली से ही हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन टैक्स पे कर सकते थे। इसके बाद से दोस्तों अभी लेटेस्ट में जो रिसेंटली आया है 9.0 ERP, जिसके साथ में GST एडअप हुआ है, ये 6.0.3 रिलीज का एक आया हुआ है टैली का नया सॉफ्टवेयर, जिसमें GST कैलकुलेट करने के सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा टैली के हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। फादर ऑफ टैली जो है आपके श्याम सुंदर गोयनका, मैथमेटिशियन थे, जो एक बिजनेसमैन थे, और उन्होंने ही अपना कैलकुलेशन का सारा आंकड़ा लगाया, दिमाग लगाया, और टैली सॉफ्टवेयर जैसा कुछ डेवलप हो ऐसा उन्होंने सोचा, और उन्होंने डेवलप करने में हेल्प की, डेवलप कराया। 1987 में सबसे पहला वर्जन जो डेवलप हुआ था टैली का, उसका नाम प्यूट्रॉनिक्स था, पहले टैली नहीं था। फिर दोस्तों 1988 में टैली का ये रीनेम कर दिया गया, टैली नाम दे दिया गया, प्यूट्रॉनिक्स से टैली चेंज हो गया, और ये 4.5 वर्जन कहलाया। फिर आपका 5.4 वर्जन कहलाया, ये जो मैंने बताया था दोस्तों विंडो बेस्ड पहला वर्जन था और विद इन्वेंट्री का ऑप्शन था। तो यहाँ पे सारे वर्जन्स और उसके डेट्स लिखे गए हैं कि कौन सा वर्जन कौन सी डेट पे आया। तो दोस्तों इसको आप लोग पॉज करके आराम से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को जहाँ पे प्रॉब्लम हो वहाँ पे पॉज करके देखें, लिखें और फिर आगे बढ़ें। टैली ERP दोस्तों इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP का फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों अभी तक देखा आप लोगों ने कि टैली जो है एक पूरा का पूरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसमें हम लोगों को बेसिक अकाउंट्स के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी रखने की ज़रूरत है। जो मैंने बताया था कि अकाउंट्स का बेसिक बताएंगे हम, अकाउंट्स में कैसे लेजर पोस्ट करते हैं, कैसे जर्नल एंट्री करते हैं, वो सब सारी चीज़ें। तो आइए थोड़ा सा यहाँ से अब अकाउंट्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अकाउंट एक व्यवसाय से जुड़ी वित्तीय लेन देन की व्यवस्थित और व्यापक रिकॉर्डिंग है, और यह इन लेन देन को सारांशित करने, विश्लेषित करने, रिपोर्टिंग करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जो निरीक्षण एजेंसियों और संग्रहण संस्थाओं के लिए है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये आप लोग यहाँ पे अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक एंड कंप्रहेंसिव रिकॉर्डिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस पार्टेनिंग टू अ बिजनेस, एंड इट ऑल्सो रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग दीज ट्रांजेक्शंस टू ओवरसाइट एजेंसीज एंड टैक्स कलेक्शन एंटिटीज। दोस्तों अकाउंट्स क्या होता है ये इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, देख लीजिए। अकाउंट्स जो हमारे असेट्स होते हैं कंपनी में, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी वर्किंग्स होती है, जो भी लेन देन होते हैं, वो सभी हमारे एक अकाउंट्स होते हैं। जैसे असेट्स हमारा एक अकाउंट है, लाइबिलिटीज अकाउंट है, इनकम अकाउंट है, एक्सपेंसेस अकाउंट है, इक्विटी अकाउंट्स है, इस तरह से बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। जितने भी लेन देन होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं कंपनी में, सब एक अकाउंट्स के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों।
टाइप ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों जो अकाउंट्स होता है हमारा, ये थ्री टाइप्स का होता है। पहला होता है आपका पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो सारी चीज़ें जो कि पर्सनली रिलेटेड होती हैं, वे सभी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने किसी को उधार दिया, तो आप क्या करेंगे? रजिस्टर पे उसका नाम मेंशन करेंगे कि फलाने पर्सन को हमने उधार दिया है। तो दोस्तों जब हम किसी भी आदमी का नाम मेंशन करते हैं तो हमारा पार्टी नेम कहलाता है। तो दोस्तों जितने भी पार्टी नेम होते हैं वे सभी हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, और कैपिटल जो होता है हमारा वो भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद आता है आपका रियल अकाउंट। रियल यानी कि वास्तविक खाते। दोस्तों रियल अकाउंट दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एक टेंजेबल असेट्स, ऑल टेंजेबल असेट्स, और दूसरा होता है ऑल इनटेंजेबल असेट्स। दोस्तों असेट्स मीन्स प्रॉपर्टी। टेंजेबल असेट्स यानी कि वे सारे के सारे असेट्स जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, असेट्स है, कैश है, ये सभी हमारे टेंजेबल असेट्स कहलाते हैं। और दोस्तों इनटेंजेबल असेट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका गुडविल है, शेयर्स है, कॉपीराइट है, ये सभी हमारे इनटेंजेबल असेट्स कहलाते हैं, जिसे हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, बट हमारा प्रॉपर्टी है, हमारा असेट्स है। दोस्तों इसके बाद आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र का अकाउंट। इसके अंदर दोस्तों आता है आपका सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेंस। जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और जितने भी इनकम एंड गेंस हैं वो सभी इसके अंदर आते हैं। जैसे सैलरी है, वेजेज है, इंटरेस्ट है, रिसीव हो रहा है, ये सभी हमारे इनकम और गेंस जितने भी होंगे ये सभी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इनका अब क्या हुआ, जितने भी हमारे लेजर्स हैं, अगर लेजर की बात करें दोस्तों, तो कंपनी में हजारों लाखों लेजर्स हो सकते हैं। अब उतने रूल्स तो नहीं लगाए जा सकते, उतने नियम तो नहीं लगाए जा सकते, इसीलिए उनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया। ये पहला कैटेगरी पर्सनल अकाउंट में, दूसरा कैटेगरी रियल अकाउंट में, तीसरा कैटेगरी नॉमिनल अकाउंट में। अब इन तीनों का रूल बना दिया गया कि जो जिस कैटेगरी में आएगा उस ट्रांजैक्शन के ऊपर वही रूल हावी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्डन रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। तो पर्सनल अकाउंट है दोस्तों, पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, पार्टीज होंगे यानी कि लोग होंगे, तो उनसे या तो हम कुछ रिसीव करेंगे या तो हम उनको कुछ देंगे। तो इसमें हमारे रिसीवर या गिवर पार्टीज आती हैं। दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये है आपका, यानी कि जो रिसीवर पार्टी होगी उसे हम डेबिट करेंगे और जो गिवर पार्टी होगी उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। इसके बाद आपका आता है रियल अकाउंट। दोस्तों डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में हमने बताया था दोस्तों आपके असेट्स होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, जो असेट्स कंपनी की तरफ आ रही है, कंपनी में आ रही है, उसे हम लोग डेबिट करेंगे, और जो कंपनी से बाहर जा रही है उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। तीसरा होता है दोस्तों नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में मैंने बताया था सारे एक्सपेंसेस लॉसेस आते हैं, इनकम गेंस आते हैं। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वे हम डेबिट करेंगे और जितने भी इनकम्स होंगे वे हम क्रेडिट करेंगे। तो दोस्तों ये रूल हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एंट्री करके कि कौन सी एंट्री कैसे एडजस्ट होगी। दोस्तों हमारे पास ये लेजर्स दिए गए हैं। ये लेजर है आपका, ये बैंक डिपॉजिट है, बैंक विड्रॉल है, परचेज है, सेल्स है, वेजेज है, सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है। इसकी हम लोग जनरल एंट्री पास करना देखेंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, इसलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और बाकी इसके आगे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों बने रहिए चैनल पे, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो,
तो उसे आप लोग मेल कर सकते हैं, मेल आईडी प्रोवाइड कराया गया है आपको, और आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो का, कोशिश करेंगे तुरंत रिस्पांस देने की। मेरे चैनल को देखते रहिए, और ये मेरी मेल आईडी है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस पे आप लोग मेल कर सकते हैं। मेरे वीडियो को सर्च करने के लिए टैली बाई विष्णु सर YouTube.com पे लिखें, और इससे मेरा चैनल आ जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से दोस्तों ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचेगा जो पे करके सीखना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग भी इसको सीख सकते हैं, जिससे कि किसी न किसी माध्यम से किसी की मदद हो सकती है। थैंक यू दोस्तों।